नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल फ्रेंड्स विन प्रेडिक्शन में। दोस्तों हम कवर करने वाले हैं इंडिया मोन्स वर्सेज ऑस्ट्रेलिया मोन्स के बीच तीसरा और अंतिम ओडीआई मैच है। डी प्लान्स करेंगे स्पिन फुल स्टेप्स इनफो। दोनों टीमों के एक एक प्लेयर के स्टेट्स अकॉर्डिंग टू बैटिंग ऑर्डर से आपको बता दूंगा। इस मैच का टीम कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला है हमारा, वो भी आप कुछ वीडियो से मिलने वाला है। दोस्तों वीडियो लाइक करके शुरुआत करना। यदि आपने अब तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाले मैचेस की वीडियो टाइम पर मिलती रहे। दोस्तों हमारा फाइनल अपडेट आपको मिलेगा, जो हमारी फाइनल टीम मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। आपने जल्दी से आके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल लिंक मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके तुरंत आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम के साथ साथ हमारे व्हाट्सएप चैनल भी लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम के साथ साथ हम व्हाट्सएप पे भी अपडेट देते हैं। बाकी कभी कभार लिंक वर्क ना करें तो आप मेरे टेलीग्राम पे सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। जाके आप टेलीग्राम पे सर्च करिए @realFWP, आपको फैंटेसी विन प्रेडिक्शन का चैनल दिख जाएगा। 25,000 के आसपास सब्सक्राइबर होंगे, बस वही हमारा रियल चैनल है और उसी को आपने ज्वाइन करना। बात करें दोस्तों मैच की, तो मैच अब से कुछ देर बाद दोपहर में 1:30 से शुरू होगा और दोस्तों मैच होने वाला है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के अंदर मैच खेला जाएगा। यदि बात करें दोस्तों मैच की पिच की, तो दोस्तों बैलेंस विकेट के हिसाब से टीम को क्रिएट करेगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे बॉलर्स को एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा क्योंकि वुमेंस का मैच है। इस ग्राउंड पर दोस्तों मेंस के जब मैचेस होते हैं तो हाई स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिलते हैं। बैटिंग फ्रेंडली नेचर के लिए विकेट जाना जाता है, लेकिन ये वुमेंस का मैच है और वुमेंस मैच में बहुत ज़्यादा बड़े स्कोर देखने को नहीं मिलते, उतने बड़े शॉट्स लगते नहीं हैं। तो आप 250 से 270 के बीच स्कोरिंग देखेंगे 50 ओवर्स पे, तो आपकी टीम में बैटर के साथ साथ बॉलर्स और ऑलराउंडर्स उतने ही इंपॉर्टेंट रहेंगे जितने बैटर्स रहेंगे। तो आपने एक अपनी एक बैलेंस टीम बनानी है जिसमें आपके लगभग सारे डिपार्टमेंट्स कवर होने चाहिए, बैटर्स के साथ साथ बॉलर्स ऑलराउंडर्स सब कुछ होनी चाहिए। तो ये प्लान से टीम बनाओगे तो निश्चित तौर में टीम आपकी काफी अच्छा करेगी। स्टार्ट करके पहले हम दोस्तों इंडिया मोन्स से, तो लास्ट मैच में काफी अच्छी फाइट हुई, काफी क्लोज थी, इंडिया टीम जीत नहीं पाई पहला मैच, तो काफी जल्दी हार गए थे। दोनों मैच टीम हार के आ रही, इंडिया टीम अपना बेस्ट देगी तभी ऑस्ट्रेलिया को हरा सकती है। इस चीज को ये जब टूर्नामेंट सीरीज शुरू हुई थी तभी मैंने आपको बोला था कि इंडिया की जो टीम है ना ऑस्ट्रेलिया के आसपास भी नहीं है। हालांकि रिसेंट मैचेस में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, लेकिन उसके लिए इंडिया को अपना बेस्ट देना होगा और ऑस्ट्रेलिया को अपना खराब परफॉर्मेंस देनी होगी, तभी ऑस्ट्रेलिया की टीम हारेगी। वैसा कुछ लास्ट मैच में देखने को मिला था, ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बड़ा स्कोर नहीं बनाया था, लेकिन इंडिया की टीम फिर भी उस फिनिश लाइन को क्रॉस नहीं कर पाई। देखते हैं क्या होता है आज के मैच में। इंडिया के लिए आपको ओपन करते दिखेंगे यास्तिका भाटिया, उनके साथ ओपन करने आएंगे स्मृति मंदाना। बात करें दोस्तों यास्तिका की, जो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, कीपिंग शायद ना करें, इस टीम के लिए कीपिंग आपको ऋषभ घोष ही करती हुई शायद दिखे। यास्तिका ने लास्ट गेम में 14 किया, पहले गेम में 49 किए, ठीक ठाक से बल्लेबाज हैं। वनडे में इस सीरीज से पहले 24 गेंद का बैटिंग और उसका ठीक ठाक से पिक रहेंगे, जीएल में रोटेट कर लीजिएगा। स्मृति मंदाना मस्ट पिक रहेंगी, ऑस्ट्रेलिया कैंगस खेलना पसंद करती हैं, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। लास्ट गेम में खेली 34 रन किए, पहला गेम में खेली नहीं थी, नहीं तो आमतौर पर अच्छा करके जाती हैं, आपको 40-50 से कभी भी करती हुई दिख सकती हैं। ओवरऑल वनडे में इनका आप औसत भी देख सकते हैं 42 का है, जो कि बहुत ही गजब के एवरेज माना जाता है। आपकी टीम में मस्ट पिक रहेंगी, अपनी टीम में अपन को जरूर कवर करिए। ग्रैंड लीग के अंदर सीबीसी कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया को यदि मैच जीतना है ना तो इनका बहुत बड़ा रोल रहेगा। यदि ये परफॉर्म करेंगी तभी इंडिया जीतेगी, वही हो सकता है, नहीं तो बहुत मुश्किल है भाई। ऋषभ घोष नंबर 3 पे आएंगी, राइट हैंड बैट्समैन, विकेट कीपर। लास्ट गेम में 96 किए और काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिला था, सेंचुरी नहीं कर पाई थी। पहले गेम में 21 की थी, अच्छा परफॉर्मेंस अब तक दोनों मैच में देखने को मिला। हालांकि इस सीरीज से पहले इनका करीब 22 का यूरिस था वनडे में, लेकिन आप कवर कर सकते हो, ठीक ठाक से पिक रहेंगी। चौथे नंबर पर आएंगी जोमर रोधक, जो राइट हैंड बैट्समैन है और इस फॉर्मेट की सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हैं, टेक्निकली सॉलिड बैट्समैन है और टाइम लेके खेलती हैं, बहुत बड़े शॉट्स लगाने के लिए जानी नहीं जाती, स्लो खेलना पसंद करती हूँ, तो ये फॉर्मेट इनको सूट करता है। लास्ट गेम में 44 की, पहले गेम में 82 गए थे, दोनों मैच हमारे पास थी। और जब स्पेशली 82 की थी तो इनका सिलेक्शन बहुत कम था, तब मैं इनको कवर कर गया था। अच्छी बैटर है, अपनी टीम में जरूर लीजिए। T20 में उतना ज़्यादा इनको प्रेफर करता नहीं हूँ, लेकिन वनडे में जल्दी इनको छोड़ता भी नहीं हूँ। नीचे देखिए दोस्तों हरमनप्रीत कौर, फॉर्म बहुत ही खराब चल रहा है आजकल, लास्ट गेम में 5, पहले गेम में 9, एक गेम में बॉलिंग भी कराई थी, लेकिन लास्ट गेम में स्नेह राणा इंजर्ड हो गई और हालांकि बॉलिंग पूरी कर दी थी उन्होंने, उसके बाद वो इंजर्ड हुई। अब समझ लीजिए कि यदि इस मैच में स्नेह राणा की जगह टीम हरनिंदर देओल को खिलाएगी ना, तो फिर ये पार्ट टाइमर्स है। यदि मेन बॉलर्स की जगह टीम एक बैटिंग ऑलराउंडर को खिला लेगी, तो उस कंडीशन में फिर आज के मैच में हरमनप्रीत के बॉलिंग डालने के चांसेस बनेंगे। लेकिन यदि इसने राणा की जगह लोग तीथा साधु खिला लेते हैं, एक कोई भी साई का हिसाब को खिला लेते हैं, कोई प्रॉपर बॉलर के साथ टीम इंडिया की टीम जाएगी, तो उस कंडीशन में फिर हरमनप्रीत कौर बॉलिंग नहीं करेंगी। तो देखना दिलचस्प रहेगा इसने राणा की जगह लोग किसको आज प्लेइंग 11 में लाते हैं। दीप्ति शर्मा अपने 10 ओवर की पूरी बॉलिंग करके जाएंगे, नंबर 6 पर बैटिंग करेंगे, पहले गेम में 21 रन, एक विकेट, लास्ट गेम में 24 रन, 5 विकेट थी। बीसी की बहुत ही सेफ ऑप्शन आपके लिए रहने वाली है, कैप्टन वाइस कैप्टन बिल्कुल आप उनको बना सकते हैं, बेहतरीन बॉलर हैं और पिछले अब 2 मैचेस हो चुके हैं, तो स्पिनर्स को यहाँ पर मदद भी मिलेगी। लास्ट गेम में कुछ कमाल देखने को मिला, 5 विकेट ले गए और बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेती थी। नीचे देखेंगे अमनजोत कौर, अब यदि हरनिंदर देओल खेलेंगे आज के मैच,
तो फिर आप इनसे भी थोड़ा ज़्यादा ओवर की बॉलिंग देख सकते हैं, नहीं तो 3 ओवर के आसपास ही देखेंगे। थोड़ा सा रिस्की हो जाती है, बॉलिंग से ओवर कभी भी कम हो सकते हैं। पूजा उत्तराखंड आज कर अच्छा करें, लास्ट गेम में 1 विकेट, पहले गेम में 1 विकेट, पहले गेम में 62 रन बैटिंग से भी किए थे, तो 10 ओवर की आपको बॉलिंग करके देंगे, साथ में आपको बैटिंग भी नंबर 8 के आसपास करते हुए देखेंगे। मतलब अपनी टीम में जरूर रखिए, सेफ पिक रहेंगे, जीएल के अंदर कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं। हरेंद्र लास्ट गेम में 1 रन किया, प्लेइंग 11 पे इसने राना थी लेकिन फिर वो इंजर्ड हो गई, तो उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर आई थी सेकंड इनिंग बैटिंग करने। देखते हैं आज प्लेइंग 11 अनाउंस होगा तो किसको खिलाते हैं इसने राना की जगह, देखना दिलचस्प होगा। यदि टीम इनको खिलाएगी तो एक बॉलर इंडिया की टीम शॉर्ट रहेगी, उस कंडीशन में अमनजोत कौर, हरमनप्रीत कौर शायद अच्छा खासा बॉलिंग करके जाएं। नीचे देखें दोस्तों, श्रियंका पाटिल जो कि राइट आर्म ऑफ ब्रेक है, लास्ट गेम में खेली 10 ओवर डाल के 1 विकेट निकाला, लास्ट गेम में उनका डेब्यू था, इससे पहले सिर्फ T20 मैचेस खेले थे, 3 मैच में 5 विकेट थे। रेणुका ठाकुर लास्ट गेम में विकेटलेस, पहले गेम में 1 विकेट, बॉल फर्स्ट में मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर ऑप्शन रहती हैं, लेकिन देखिए कंडीशंस का डिपेंड करती हैं कैसी हैं वहाँ पे। पिच रिपोर्ट जो भी आएगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा, पेसर्स को मदद होगी शुरुआती ओवर में, तभी ये कुछ काम करेंगी। यदि फ्लैट विकेट हुआ तो फिर थोड़ा सा एवरेज रहती है, पेस उतना है नहीं, लाइन लेंथ और नई बॉल से बॉलिंग के लिए जानी जाती है। तो दोस्तों आपके सामने परफॉर्मेंस इंडिया का, प्लेइंग 11 ये रेंज है, सिर्फ एक चेंज हो सकता है स्नेही राणा की जगह, लास्ट मैच में रिप्लेसमेंट के तौर में हरमन देओल खेली थी, तो ऐसा हो सकता है यदि टीम एक्स्ट्रा बॉलर के साथ जाना चाहे, मतलब राणा की जगह यदि टीम बॉलर को खिलाना चाहेगी तो हरिन देओल को नहीं खिलाएगी, और सेम टू सेम मतलब स्नेही राणा की रिप्लेसमेंट यहाँ से साइकाई साउथ हो सकती है जो कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, हालांकि राणा राइट आर्म ऑफ ब्रेक थी, लेकिन टीम इनको ले सकती है जो कि एक प्रॉपर बॉलर है। तो दोस्तों आपके सामने परफॉर्मेंस आप देख लीजिए इंडिया का, बात कर लेते हैं दोस्तों हम यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया मॉन्स की, लेकिन जो मेरा फाइनल टीम होगा, फाइनल अपडेट होगा, आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन पर हमने लिंक कर दिया, आपने ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम पे मैं 25,000 दोस्तों ज्वाइन किया हुआ है, जुड़ना बिल्कुल फ्री है, डिस्क्रिप्शन पर हमने लिंक है, जो जरूर जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम दोनों मैचेस अपनी जीत के आ रही है, ऑस्ट्रेलिया के लिए आपको ओपन करते दिखेंगी फोवे लिचफील्ड, उनके साथ ओपन करने आएंगी एलिसा हिली। यदि बात करें दोस्तों लिचफील्ड की, जो कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, लास्ट गेम में 63 की उसके पहले 78 की थे, तो दोनों मैच में एकदम बेहतरीन फॉर्म में दिखी है, मतलब दोनों मैच में तगड़ा खेली है। इस तरीके से पहले भी इनका ODI के अंदर 49 का बैटिंग एवरेज है, तो इस फॉर्मेट की लाजवाब प्लेयर नंबर, मतलब नंबर वन तो नहीं लेकिन हाँ अपनी टीम की अभी तक की जितने भी मैचेस, 2 मैचेस खेले हैं, तो एकदम नंबर वन प्लेयर लगी है, बैटिंग एकदम सॉलिड लगी है, लग रहा है कि भाई मतलब आउट होने का कोई चांस ही नहीं दे रही मतलब प्लेयर। पहले मैच में जरूर कुछ कैचेस ड्रॉप हुए थे लेकिन सेकेंड मैच में तो एकदम चांस लग रही खेले, एकदम आपकी टीम मस्ट पिक रहेंगी, अपनी टीम में जरूर कवर की एज अ प्लेयर रखिए, सीबी से मत करिएगा, क्योंकि शुरू में देखिए थे नई बॉल से मदद मिला रेणुका को ना, तो उस कंडीशन में शुरू में विकेट रेणुका ले सकते हैं, रेणुका से बच गई तो फिर स्पिन भी काफ़ी अच्छा खेलती है। अलीजा अली का फॉर्म जारी है, ख़राब फॉर्म जारी है, विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, लास्ट गेम में 13 उसके पहले 0, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जिस दिन दिन रहा तो भाई अकेले दम पे बड़े बड़े स्कोर करने की क्षमता रखती हैं, ढेर सारे एक्सपीरियंस इनके पास, 1 डे में 35 का बैटिंग एवरेज है, कीपिंग भी यही करा रही, मुनी नहीं कर रही, थोड़ा सा रिस्क है भाई, यदि आपको रिस्क लेना है तो अपनी टीम में आप रख सकते हो, बैटिंग से अच्छा खासा कर गई तो आपको कीपिंग से भी पॉइंट दे सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नीचे देखिए दोस्तों एलिस पेरी जो कि राइट हैंड बैट्समैन है, बॉलिंग आजकल कर नहीं रही, लास्ट गेम में 50, पहले गेम में 75, नंबर 3 पे आपको खेलते हुए नजर आएंगे, ODI के अंदर इनका 51 का बैटिंग एवरेज है, आपके लिए मस्ट पिक रहेंगी। नंबर 4 पे देखेंगे बेथ मूनी जो कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, 10 ओवर बैलेंस किया हुआ, बैट फर्स्ट में जरूर लेके जाएं, बैट सेकंड में थोड़ा नीचे खेलती हैं तो रिस्की रहती हैं, कितना बैटिंग मिलेगा वो सब चीज़ें रहती हैं। नीचे देखेंगे थालिया मैकग्रैथ 3-4 ओवर की बॉलिंग कर सकती है, नंबर 5 बैटिंग करेंगे, एज अ प्लेयर रखिए, लास्ट गेम में 24, पहले गेम में 63, CBC आप GL पे ही बनाइएगा, स्मॉल लीग में सिर्फ आपने एज अ प्लेयर ही रखना है। एशले कंडर 10 ओवर की बॉलिंग करके देगी, पहले गेम में 2 विकेट, लास्ट गेम में 1 विकेट, कुछ ना कुछ विकेटें जरूर लेके जाती हैं, विकेटलेस जल्दी जाती नहीं है, प्लस बैटिंग भी नंबर 6 के आसपास करेंगी, बैट फर्स्ट हो या बैट सेकंड हो दोनों कंडीशन में आप चाहो तो कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं। नीचे देखेंगे एनएबल सदरलैंड, लास्ट गेम में 3 विकेट निकाले, 23 रन किए, 9 ओवर डाले, सिलेक्शन बहुत कम था और लास्ट गेम में हमने इनको कवर किया हुआ था, इस मैच में भी मैं शायद अपनी टीम में लेके जाऊंगा, स्पेशली बैट फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया करेगा, तो लास्ट गेम ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करी थी, इस वजह से मैंने इनको लिया था कि बैटिंग भी आ जाएगा, बैटिंग से लास्ट गेम में इसने 23 कर दिए और बॉलिंग से 3 विकेट ले गए, बढ़िया ऑलराउंडर है, आप कवर कर सकते हैं। जॉर्जी अब्राहम अच्छे लेग ब्रेक बॉलर है, 7-8 ओवर डाल सकते हैं, पहले गेम में 2 विकेट, लास्ट गेम भी 2 विकेट, 4 विकेट चटका चुके हैं, अच्छे स्पिनर है। नीचे देखेंगे अलाना किंग, इंडिया किंग बहुत ज्यादा विकेट नहीं लेती हैं, 2 मैच में अब तक 2 ही विकेट मिला है, ग्रालिक ट्राई करेगा, किंग रात भी उतने कुछ खास पिक नहीं रहेंगे, ऐसे पिचेस पे तो आप इनको भी छोड़ सकते हो, डार्सी ब्राउन को आप GL में ही ट्राई करें, स्मॉल लीग पर रिस्क रहेंगे, 2 गेम में 1 ही विकेट मिला, तो ये ऑस्ट्रेलिया का प्लेइंग 11 है। अब इसमें से देखिए जो इनके मेन बॉलर्स हैं ना, पहले मेन बॉलर्स देख लेते हैं, तो उसमें से जो इनके पेसर्स हैं खासकर किम ग्राथ हो गई और ऐसे डार्सी ब्राउन हो गए, इनके ओवर नई बॉल्स बॉलिंग करेंगे, शायद थोड़ा ज़्यादा डाले नहीं तो ओवर कर सकते हैं। जो इनके मेन स्पिनर हैं जैसे जॉर्जी अब्राहम हो गए, इसके अलावा आपको ऊपर देखेंगे गार्डनर हो गए, ये दोनों 20 ओवर पूरे डालेंगे, तीसरे ऐसे सदरलैंड अच्छे खासे ओवर डालेंगे, चौथे टीम के लिए अलाना किंग रहेंगे, 5वें से ग्राथ, 6वें डार्सी ब्राउन, यही 6 मिलकर अच्छे खासे ओवर डालेंगे, जिसमें से 2 बॉलर जो हैं जॉर्जी अब्राहम, एशले गार्डनर, इनके 20 ओवर लगभग कन्फर्म रहेंगे, बाकी ये 6 बॉलर्स का टीम यूज करेगी, जरूरत पड़ी तो तालिया मैकग्रैथ भी 2-3 ओवर डालने की क्षमता रखती हैं, मतलब क्षमता तो अच्छी खासी रखती है, 10-10 ओवर डालेंगे लेकिन 2-3 ओवर ही उनको मिलता है। बात कर लेते हैं दोस्तों हम टीम की, लेकिन जो मेरा फाइनल टीम बनेगा टॉस के बाद ही बनेगा, मैं आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ऑलरेडी 25,000 के आसपास लोग पहले से जुड़े हुए हैं, डिस्क्रिप्शन पहले कमेंट लिंक है, आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप भी ज्वाइन कर लें, और आप टेलीग्राम पर @RealFWB सर्च करके भी चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं हम इस मैच की टीम की।
दोस्तों विकेट कीपिंग सेक्शन से मैं एलिसा हिली के साथ जा रहा हूँ। मेरा पर्सनल रिस्क है क्योंकि दोस्तों कीपिंग भी करने वाली हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, साथ में बतौर ओपनर खेलेंगे। हालांकि आपके पास यहाँ पे ऑप्शन काफ़ी सारे हैं, विद धोनी का ऑप्शन है, यास्तिका भाटिया, रिचा घोष, सारे प्लेयर खेलने वाले हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए आपको एलिसा हिली कीपिंग करते हुए नजर आएंगे और यहाँ पर रिचा घोष कीपिंग करेंगी इंडिया के लिए। तो आप इनमें से ही किसी को लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मैं एलिसा हिली के साथ जा रहा हूँ, बड़ी प्लेयर है, मैं बैक कर रहा हूँ। बैटिंग सेक्शन मैंने चार प्लेयर लिए जिसमें एलिस पेरी, स्मृति मंधाना, जेमर रॉड्रिक्स मस्टर पिक रहेंगे। नीचे एक फोविल स्पिल जिनका प्रदर्शन हाल ही है बहुत ही जबरदस्त रहा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। हालांकि जिनको रिस्क लेना है तो यहाँ पे छोड़ सकते हैं स्पिल को, लेकिन बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। स्मॉल लीग में आप उनको जरूर कवर करिए। हरमनप्रीत को जीएल में जरूर रोटेट कर लीजिएगा। यदि देखिए स्नेह राणा तो इस मैच में नहीं खेलने वाली, उनकी जगह यदि हरनीन देओल खेल जाएंगी ना तो मतलब इंडिया के अच्छे खासे ओवर पर हरमनप्रीत कवर करके जा सकती हैं। क्योंकि उसका कारण क्या होगा, स्नेह राणा अपने 10 ओवर पूरे डाल रही थी, अब यदि हरनींद देओल उनकी जगह खेल जाएंगी तो वो मैक्सिमम 4-5 ओवर डालेंगी, तो उनके जो 4-5 ओवर बचेंगे तो फिर अच्छे खासे ओवर आप उम्मीद कर सकते हो। लेकिन यदि स्नेह राणा की जगह साई गईसाख खेल जाती है तो उस कंडीशन में हरमनप्रीत कौर के बॉलिंग डालने के चांसेस कम रहेंगे। तो टॉस के बाद देखूंगा, यदि मैं नंबर ऑफ बॉलर देखूंगा कितने खेल रहे हैं, स्नेह राणा की जगह कौन प्लेइंग इलेवन में आ रहा, उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे हरमनप्रीत कौर को लेना है हमको कि नहीं लेना। ऑलराउंडर सेक्शन से पांचों ऑलराउंडर इंपॉर्टेंट है, एसले गार्डनर, दीप्ति शर्मा, थालिया मैकग्रैथ, पूजा वस्त्राकर और ऐसे अनावल सदरलैंड, पांच के पांचों में लेके जा रहा हूँ। यहाँ पे और कोई है भी नहीं, अमनजोत कौर एवरेज है। बॉलिंग सेक्शन से मैंने एक ही बॉलर कवर किया क्योंकि मैंने ऑलराउंडर ढेर सारे ले लिए हैं, तो मैं जॉर्जी वैरम के साथ जा रहा हूँ। हालांकि इस जगह मैं चेंज कर सकता हूँ, रेनुका ठाकुर को मैं तभी ट्राई करूँगा जब इंडिया पहले बॉलिंग करेगा। ध्यान दीजिएगा, इंडिया के यदि बॉल फर्स्ट होगा तभी हम रेनुका को लेंगे, नहीं तो अपनी टीम में हम नहीं कवर करने वाले। इनकी जगह हम अपनी टीम में फिर लेके जाएंगे यहाँ पे जॉर्जी वैरम को। बात कर लेते हैं दोस्तों हम कैप्टन वाइस कैप्टन और टीम की फाइनल प्रीव्यू की। दोस्तों मेरी टीम की कैप्टन रहने वाली है दीप्ति शर्मा, दोस्तों वाइस कैप्टन में ऐसे किया है एशले गार्डनर को। दोस्तों दोनों ऐसे प्लेयर हैं जो बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगे, सेम रोल दोनों का रहता है, दोनों का बैटिंग ऑर्डर वही 5-6 ओवर रहेगा, दोनों आपको 10-10 ओवर की बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे। इस सीरीज में ज़्यादा बेहतर देखिए दीप्ति शर्मा। हालांकि शुरुआत के जो दोनों वनडे मैचेस थे दोनों मैचों मेरी वाइस कैप्टन थे, लेकिन इस मैच में कैप्टन करके जा रहा हूँ। हालांकि आफ्टर टॉस मैं रिवर्स भी कर सकता हूँ, उससे मैं इन्हों कैप्टन करूँ क्योंकि ये मुझे ज़्यादा टैलेंटेड है और ज़्यादा विकेट टेकिंग है। हालांकि अभी तक उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आया एशले गार्डनर का, लेकिन बैटिंग से भी बहुत अच्छा कर लेती हैं, तो आप इन्हीं दोनों में रखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हालांकि काफी लोग एलएस पेरू करके जा रहे हैं, लेकिन इसे बैटिंग करेंगे। बैटिंग सेक्शन में आपको जो भी प्लेयर दिख रहे हैं उसे बैटिंग से पॉइंट देंगे, इनमें से कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं है जो बॉलिंग करके थे। तालिया मैकग्रैथ भी बहुत ज्यादा बॉलिंग नहीं करती, यहाँ पे अनेबल सदरलैंड है जिनको लास्ट गेम में हमने कवर किया था, सिलेक्शन 19% था, अब सिलेक्शन बढ़ गया होगा। पूजा वस्त्राकर को जीएल में सीबीसी बनाएगा। बाकी टीम मेरा स्मॉल लीग का ही है, इस टीम में यदि हम कुछ भी चेंजेस करेंगे टॉस के बाद तो फाइनल टीम मैं आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। यदि आपने टेलीग्राम पे मैं ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, लिंक मिल जाएगा वीडियो को डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में। आपने जुड़ जाना है टेलीग्राम पे आगे, ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम चैनल पे 25,000 से ज्यादा दोस्तों ज्वाइन किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन पहले कमेंट में लिंक है, आप ज्वाइन कर लें वहाँ पे, क्योंकि फाइनल अपडेट आपको वहीं पर मिलेगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमारे डिस्क्रिप्शन व्हाट्सअप का भी लिंक है, वहाँ भी जुड़ जाइए। बाकी डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम पर ही मिलते हैं, फाइनल अपडेट आपको वहीं मिलेगा। वीडियो वॉच करने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।